ऑलराइट गाइस, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे करियर मोड के इस स्ट्रीम में, जहां पर हम आज खेलेंगे एज एन एलेक्स अपने करियर मोड में वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ ये जो है अभी सिलेक्शन हुआ है और मैं कैप्टन भी बन चुका हूं अपने करियर मोड में। ये है फिक्स्चर अभी तक, आप देख सकते हैं ये T20 सीरीज़ है, 3 मैचों का अच्छा प्रदर्शन रहा तो आगे कंटिन्यू रखेंगे कैप्टनशिप में भी और टीम में भी, अगर हगे तो फिर भैया कुछ नहीं कह सकते, निकाल दिए जाएंगे टीम से। तो प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो करियर मोड में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लेकर के मैं आने वाला हूँ और आ भी चुका हूँ, इसलिए इसका एपिसोड आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो देख के बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाले एपिसोड्स भी आपको मिलते रहें और आप आनंद उठाते रहें इसी तरीके से। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अंशुमन भी मौजूद हैं, तो बीच बीच में आपको अंशुमन की भी आवाज़ आती रहेगी, तो इन्जॉय द गेम। सो चलो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट मैच 5 डेज में है, तो पहले हम थोड़ा सा बूस्ट कर ले, थोड़ा स्टैमिना वगैरह ले लेते हैं। एशिया कप चूँकि आने वाला है, इसलिए आपको एशिया कप का भी वो दिखेगा ऊपर, ट्रॉफी और लोगो, तो कंफ्यूज नहीं होने का। दिस इज़ इंडिया वर्सेज श्रीलंका, करियर मोड में चल रहा है। चलो फटीक में अब कुछ नहीं कर सकते हम, 4 दिन बीत चुके हैं। मैच डे आ चुका है, इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका सीरीज Game 1 अगेंस्ट श्रीलंका, भाई बिल्कुल आ चुके हैं। अब यहाँ से जो है लाइनअप्स चूज करेंगे सबसे पहले। दो अलेक्स कैसे आया? दो अलेक्स आ गया क्या? ओए एक को निकालो। दो एलेक्स क्यों है बे? एक 82 एलेक्स है और एक 84 एलेक्स है। एक को निकालो। 84 वाले को तो निकालना पड़ेगा। निकाल। स्वाप करेंगे और कुलदीप यादव पे। कुलदीप यादव बैटिंग बैटिंग चाहिए बैटिंग सिरकर भरत। रोहित शर्मा ले लेंगे। रोहित शर्मा लेंगे ना भाई, ऐसे कैसे, रोहित शर्मा को ओपन कराएंगे हम। दो दो एलेक्स भाई, गजब जिंदगी की राम है। चलो ठीक है, एलेक्स एज कैप्टन और को हैं मयंक के जगह किसी और को। मयंक अग्रवाल के जगह पर पहले तो विराट कोहली को लेके आएंगे 3rd नंबर पे, और फिर मयंक अग्रवाल के जगह शुभमन गिल, नहीं मिडल ऑर्डर में कौन खेलेगा? हार्दिक पांड्या को लेकर केएल राहुल ले लेते हैं। चलो सारे प्लेयर्स आज खेलेंगे, आज करियर मोड में हमारे। ऋषि सावंत कौन है भाई? इसके जगह पे ऋषभ पंत तो है ही, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर के जगह पर हम ले लेंगे यहाँ पर रविंदर जडेजा, किधर गए? हार्दिक पांड्या जडेजा लेते हैं। शामी, हरप्रीत बरार, चहल, संदीप शर्मा के जगह पर बुमराह, हरप्रीत बरार नहीं, अच्छा बॉलिंग करता है भाई, 91 पे है। राहुल चहर के जगह पर हम किसी और को लेंगे, कुलदीप यादव ले लेते हैं। चलिए पहला बॉलर बुमराह, दूसरे बॉलर शामी, विकेट कीपर पंत। भाई क्या प्लेइंग 11 खिलाई है भाई श्रीलंका के खिलाफ, गजब। एलेक्स कैप्टन है, ठीक है जी। और गेंदबाजी कौन करेंगे, फर्स्ट गेंदबाज कौन रहेंगे? बुमराह और वही रहेंगे, मैं तो गेंदबाजी करूंगा नहीं। आप करो सेकंड बॉलर, आपको ही आप कैप्टन होंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि सेकंड बॉलर नहीं रखे क्या सेकंड बॉलर? हाँ हाँ चलो खुद को रख लेते हैं सेकंड बॉलर। यार सेकंड बॉलर एलेक्स, कैप्टन ही करेंगे गेंदबाजी भाई सेकंड ओवर। चलिए अब एक्सेप्ट करने का वक्त आ गया है, तो लेट्स एक्सेप्ट। टीम बन चुकी है बिल्कुल, मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार। प्ले मैच एज एलेक्स, पूरी टीम के जैसा नहीं खेलूंगा मैं क्योंकि करियर मोड है, पूरी टीम जैसे खेलेगी वैसे हम नहीं खेलेगा, सिर्फ हम अपने आप से खेलेगा। लेट्स गो, कोलंबो पार्क ओवल में पहला मुकाबला एज अ कैप्टन
करियर मोड में एलेक्स, आपके राइट हैंड साइड पर दिख रहा होऊंगा मैं, जो कि मैं हूं बिल्कुल। मेरा करियर मोड है भारत के खिलाफ सिलेक्शन, और उसके बाद अब कैप्टन भी बन चुका हूं T20 में, श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच। तो चलिए करते हैं मैच की शुरुआत, लेकिन उसके पहले गाइज आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या करना है मालूम है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है गाइस, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी है गाइस, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे। तो लेट्स बिगिन द मैच, लेट्स गो। वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी सही आ रही होगी, आनी चाहिए, नहीं आएगी तो बताना गाइस। मैं सोच रहा हूँ करियर मोड का जो है कि मैं प्रीमियर करूँगा, और ये वीडियो गाइस जब आपके सामने आ रही होगी मैं लाइव नहीं बैठा होऊंगा, क्योंकि ये प्रीमियर चल रहा है गाइस। तो आप लोगों को सपोर्ट बना के रखना होगा इस प्रीमियर में। ऑलराइट, वेलकम टू पाले खेले। भाई श्रीलंका में आ चुके हैं हम T20 इंटरनेशनल में, भाई एज अ कैप्टन, जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, और फिर मैं एलेक्स एज अ कैप्टन। भाई दिग्गज खिलाड़ी होते हुए भी मैं एज अ कैप्टन खेल रहा हूं यहां पर, क्योंकि करियर मोड है गाइस। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है यहाँ। कोलंबो पार्क 2020 मैच, प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पर, एलेक्स एज अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, फॉलोड बाय रोहित शर्मा, कोहली, मजा ही आने वाला है बिल्कुल। पिच बिल्कुल ब्राउन घास है, ये डस्टी पिच, डस्टी पिच है तो पहले फील्डिंग कर लेने के लिए कहा गया है, तो पहले टेल्स लिया है कैप्टन। भाई गजब जिंदगी की राम है, देख रहे हो, देखो मैं एज ए कैप्टन हूँ ब्रो। बॉलिंग करेगा अपन, ओए कैप्टन बॉलिंग करेगा ब्रो, विल हैव टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दीस कंडीशंस, शुड बी प्लेंटी टू गेट द बॉलर्स इंटरेस्टेड, बॉलिंग करेगा, क्योंकि यार बॉलिंग करने के लिए कहा गया था और हम बॉलिंग करेंगे। सो इंडिया हैज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, और चूंकि मैं खेल रहा हूं एज एलेक्स तो इसे स्किप करेंगे और देखेंगे कि श्रीलंका ने कितना बनाया है। लेकिन स्किप करने से पहले ये मैं आ गया हूं गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि सेकंड बॉलर मैं था, मैं भूल ही गया था। आपके स्क्रीन पर एलेक्स 7 नंबर की जर्सी में पहली गेंद डालेंगे एज अ कैप्टन श्रीलंका टूर पर। एक स्लिप्स मौजूद, डीप स्क्वायर लेग, सॉरी डीप पॉइंट मौजूद, और एक वाइडिश फाइन लेग जिसे बैकवर्ड पॉइंट भी कह सकते हैं। तो चलिए पहली गेंद श्रीलंका टूर पर, देखते हैं कि मैं क्या कर पाता हूँ। भाई स्टेप आउट करके मारा है, कैच करने की बात होगी क्या, बच गए। पहली गेंद पे लॉफ्टर ड्राइव लगाया था बिल्कुल, फील्डर मौजूद है, बहुत बढ़िया। पहली गेंद पे कुशल परेरा एंड निशांका, भाई ये तो पहली गेंद से ही हमला करना चालू कर दिया है स्टेप आउट करके, बहुत बेहतरीन गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया। ये मैं हूं एलेक्स, इंडियन जर्सी में क्या जच रहा हूं मैं भाई, देखते हैं इस मैच में क्या होता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, पहले गेंद पे रन दिया था, उसके बाद 3 डॉट बॉल्स निकाली है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इस बार नहीं, चहलकदमी करेंगे, ऑन साइड पे चौका बटोरेंगे, 2 bounces ओवर द रोप, जस्ट इनसाइड द रोप, राउंड द विकेट, सोच रहा हूँ वही करने को। ये 2 bounce, they shouldn't get too discouraged with that last ball, first step as a bowler is to get the batter playing, 6 run दे दिया है 5 गेंदों पर, they can find the right spot, the reward will eventually come.
डायरेक्ट हिट है लेकिन बैट्समैन जो है पहुंच चुके हैं क्रीज पे, नकार दिया गया है। बहुत महंगा ओवर, 7 रन पहले ओवर से। दूसरा ओवर लेकर के फिर से आऊंगा मैं। फील्ड क्या चेंज होगा? नहीं जी, फील्ड भी चेंज नहीं होगा भाई। दो ओवर तो शुरुआत में कराते ही हैं एज ए कैप्टन। नाइस बॉलिंग एलेक्स। Good piece of fielding to stop some runs. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. India versus Sri Lanka, first T20 international. बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ, स्वीप किया था रविशंकर ने। विकेट निकाल लो भाई एलेक्स, तो बात ही कुछ और होगी। विकेट निकालो बे, स्वीप वीकेस्ट है, स्वीप कराइए, शायद विकेट मिल सकता है। बहुत बढ़िया, फिलहाल डॉट बॉल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे रे रे रे, खराब गेंद, फुल ट्रीटमेंट, कवर्स के ऊपर से वन बाउंस चौका। नाखुश होंगे एलेक्स यहां पर जरूर, बिल्कुल उनके पाले में गेंद डाल दी। कोण बदलने की कोशिश करते हुए यहां पर राउंड ऑफ विकेट आए हैं एलेक्स। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, इस बार स्टेप आउट करके खेल दिया है, स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है ऊपर। अच्छा ओवर बीत रहा था लेकिन अंतिम दो गेंदों पर दो चौके। ब्लॉक होल में गेंद कराने की कोशिश, फुल टॉस दे बैठे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, स्टेप आउट करके चौका। अब ओवर नहीं मिलेगा, अब इनिंग्स हो जाएगी ख़त्म। देखा, वही हुआ। अब बल्लेबाजी आ गई है भाई, डेब्यू कर रहे हैं हम श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज़ में। आ चुकी है बल्लेबाजी, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे स्कोर बोर्ड। 52 नॉट आउट चढ़े था श्रीलंका, 43 पर निशंका, 42 फर्नांडो, 174 रन दो विकेट के नुकसान पर। कुलदीप यादव एंड बुमराह ने एक एक विकेट लिया, मैं दो ओवर में 15 रन दिया, बिल्कुल ही मतलब विकेट एक भी नहीं है। अब जीतने के लिए चाहिए 175 रन, बल्लेबाजी आ चुकी है। डिफ़िकल्टी देख लेते हैं कौन सा है, बिल्कुल आईपीएल टी20 वाली डिफ़िकल्टी है, जिस डिफ़िकल्टी पे हम खेलते आए हैं, हार्ड से ऊपर, हार्डेस्ट से नीचे। नो, अच्छा प्रदर्शन चाहिए यहाँ पर, करियर मोड है गाइस, दिस इज करियर मोड, और ये हूँ मैं एलेक्स। यार रनआउट होने से बहुत डर लगता है यार, रनआउट नहीं कराना है। बहुत बेहतरीन शॉट है ये, बिल्कुल गेंदबाज के पैर के नीचे से निकाल दिया है, और बाकी का काम आउटफील्ड, सूखी घास, लाइटनिंग क्विक आउटफील्ड, पहला चौका, ब्यूटीफुली प्लेड, फुल फेस ऑफ द बैट प्रेजेंटेड। ओहो बहुत बेहतरीन, कोई मौका नहीं किसी के पास भी। रिव्यू अगर देखेंगे, गेंद में कोई भी खराबी नहीं थी, बिल्कुल सीम पे गेंद टप्पा खाई, और ये फुल फेस ऑफ द ब्लेड, ढकेल दिया गेंद को बिल्कुल। एलेक्स का ये बहुत बेहतरीन शॉट, बहुत अच्छा खेलते हैं ये, बिल्कुल पंच किया गेंद को, गेंदबाज और अंपायर के टांगों के बीच से, बिल्कुल बहुत बेहतरीन शॉट। उसका तो कोहली आएगा तब दिखेगा ना। डीप स्क्वायर लेग मौजूद है, इस बार सिर्फ सिंगल मिलेगा। चौका लगाया, सिंगल लेकर के स्ट्राइक रोटे, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर, 7 नंबर की जर्सी जच रही है बिल्कुल भाई साहब, रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग है भाई, देख रहे हो, रोंगटे खड़े हो, गूज बम्स आ रहे भाई। पहली बार करियर मोड में इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने, 3 गेंदें रोहित शर्मा ने खेली है, कोई रन नहीं बनाया, ओवर की समाप्ति, 5 बिना नुकसान। ओहो हेलमेट पे लगी है ये, यहाँ पर 22 में रन हो गए। स्किप कर सकते हैं, रोहित शर्मा 6 पे 9 पहुंच चुके हैं अब भाई, 2 चौका और 1 सिंगल, क्या बात है रोहित शर्मा।
They'll push hard. Should get यहां पे दो रन, यहां पे दो रन नहीं होगा, सिंगल लीजिए आराम से। बेहतरीन बल्लेबाजी, 16 रन बिना नुकसान भारत के। रोहित शर्मा 7/9 और मैं 5/6। स्लो बॉलर पक्ष, अरे यार स्लो बॉलर, बहुत बढ़िया शॉट, स्लोअर गेंद थी बिल्कुल जैसे अभी अंशुमन ने बोला, लेकिन अच्छा खेला उसको। टू मोर टू द टोटल, ड्रिवन ऑफ द फ्रंट फुट, फैंटास्टिक क्रिकेट शॉट, प्रोबेबली डिजर्व मोर फ्रॉम इट। अभी कुछ को बोलूंगा इसका थंबनेल बनाओ तो कल बना के देगा। बहुत अच्छी फील्डिंग, शॉट अच्छा था लेकिन फील्डिंग जबरदस्त। 175 रन का टारगेट है, क्या यहाँ जीत पाएगी भारत? एलेक्स की कप्तानी में क्या भारत यह पहला मैच जीत पाएगी? बहुत ढीले हाथों से खेला है, जब तक थ्रो वापस आएगी सिंगल लेंगे। क्या बात है, स्टाइल देखो भाई एलेक्स का, हो भी क्यों ना भाई, इंडिया के तरफ से खेल रहे हैं। 3 ओवर के बाद 26 बिना नुकसान, रोहित शर्मा 11/11। ओहो, needs to be on target, good running, he needed to be as well, probably closer than he expected. शॉट, बहुत बड़ा गैप, कवर्स के तरफ एक्सक्लूसिवली ड्रिवन थ्रू द कवर्स, एलेक्स एट इट बेस्ट, पंच्ड दैट अवे थ्रू द कवर्स विद एक्सक्विजिट टाइम, 14 रन्स एडेड देयर, इंडिया आर 14, बहुत बेहतरीन शॉट, ब्यूटीफुली प्लेड, जितनी बार देखिए उतनी बार कम होगा, शॉट को रीप्ले कर करके देखते रहिए। रोहित शर्मा ऑन 25, 45 रन बोर्ड पर बिना नुकसान भारत के, कुटाई दोनों तरफ से चल रही है बिल्कुल। बहुत बढ़िया फील्डिंग, वहां सिंगल लेकर के स्ट्राइक अपने पास रखेंगे एलेक्स, 46 विदाउट लॉस इंडिया आफ्टर 5, दैट अलाउज फॉर रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक एंड कीप्स द प्रेशर ऑन द बॉलर्स। एंड ऑफ द ओवर, एक अजीब ही फीलिंग है भाई, बहुत अजीब सी फीलिंग है जब आपके सामने कोहली है, रोहित शर्मा है, आप खेल रहे हैं उनके साथ, भाई कौन है फर्नांडो, निकाल दिया है गैप में, भागने की जरूरत नहीं है, ये गेंद चौका देकर के जाएगी, जी हाँ बिल्कुल। एलेक्स एंड रोहित शर्मा, कुटाई बरकरार, एक तरफ रो द हिटमैन शो, 50 रन की साझेदारी, क्या बात है। रोहित शर्मा एंड एलेक्स के बीच 50 रन की साझेदारी पहले विकेट के लिए, खराब शॉट। Well, that's a wild one. Nothing elegant about बाहर that जाते ही गेंद थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश थी, फर्नांडो ने बाहर निकाला, खराब शॉट सिलेक्शन, 50 विदाउट लॉस, पावर प्ले का आखिरी ओवर है ये। स्ट्रेट टू द फील्डर, लेट खेला सिंगल के लिए और बटोरेंगे भी सिंगल, लवली शॉट, समझदारी भरी क्रिकेट, पूरा ओवर खेल गए रोहित शर्मा, 29, 55 विदाउट लॉस आफ्टर 6, और अब पावर प्लेज खत्म हो चुका है, फील्ड फैला दी गई है, क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया फील्डिंग, एक बार फिर चौका जा रहा था लेकिन वाइड थ्रो, क्या कह रहे हैं अंशुमन? एक्सेलरेट करूं? रोहित शर्मा ऑन 30, मैं 21 पर, वाइड होना चाहिए। अरे रोहित शर्मा भाई डाइव क्यों नहीं मारा, भाई रोहित शर्मा डाइव क्यों नहीं मारे ब्रो, बटन दबाए जा रहा हूं, डाइव मारे ही नहीं भाई। लो ये ना डाइव लगाएंगे, अब कोहली आएगा मेरे बैट के साथ, वो दिखाना। अरे यार 30 पे रोहित शर्मा चले गए हैं बाहर, 57 for 1 इंडिया,
और अब किंग न्यू बैट गोल्डन बैट विराट कोहली के हाथ में। पहली गेंद खेलते हुए देखेंगे हम विराट कोहली के हाथ में नया गोल्डन बैट आ चुका है और नो बॉल पे कवर ड्राइव लगाया था। नो बॉल दिया है विराट कोहली बिल्कुल फॉर्म में नजर आने। पहली गेंद को ड्राइव लगाया था लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में गई है। फ्री हिट फॉर विराट कोहली। भाई रोहित शर्मा गए हैं और मैं अब विराट कोहली के सामने खेल रहा हूं भाई एज ए कैप्टन। लो भाई फ्री हिट पे भी एज लग रहा है इनका। 62 फॉर 1 आफ्टर 7 विराट कोहली ने चौका लगाया था। 21 पे खेल रहे हैं एलेक्स भैया रन बनाने हैं ब्रो। रन्स बनाने हैं रन्स। रन नहीं बनाएंगे तो जीतेंगे नहीं फिर कप्तान के ऊपर सारी बातें आएंगी। विराट कोहली 13 पर पहुंच चुके हैं बहुत बढ़िया। दो चौके कोहली के बैट से अच्छी बात है। छोड़ देते तो वाइड होता भाई। I for one reckon that second run was on. 73 for one. New better. Good bowling. Kept it nice and tight. Made it hard to score runs. गैप में खेलिए सिंगल लीजिए विराट कोहली को स्ट्राइक पे लाइए। फिलहाल यहाँ पर एक और रन हो जाएगा। मैं भी दो रन और हो सकता है यहाँ बिल्कुल हो जाएगा इजी डबल ओवर थ्रोज में। स्लॉपी क्रिकेट स्लॉपी फील्डिंग बाय श्रीलंका। 76 फॉर वन। एक सिंगल लिया है विराट कोहली ने दो डॉट बॉल्स खेलकर। भाई कहाँ मारूँ मैं कहाँ किधर। दो होना चाहिए। विराट कोहली रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत क्विक हैं लेकिन नहीं मना किया वहाँ एलेक्स ने। अच्छा कॉल। एब्सोल्युटली अ सेकंड ऑन देम बीइंग अ लिटिल बिट टू। आने वाले बल्लेबाज केएल राहुल श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत भाई 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 सीनियर टीम आ गई है बिल्कुल जिसको कैप्टनी मैं कर रहा हूँ भाई। एलेक्स एज अ कैप्टन फर्स्ट टी ट्वेंटी मैच वर्सेस श्रीलंका। बहुत आराम से फील्डिंग किया है बिल्कुल। 10 ओवर्स में 90 के आसपास पहुंच चुकी है भारत। हसरंगा 10 ओवर्स में 87 पर एक। यार कहां मारूं अब मैं। ठीक है भाई सिंगल लीजिए। कोहली को स्ट्राइक पर रखिए। 16 पे 22 पहुंच चुके हैं कोहली। मैं रन अ बॉल खेल रहा हूं इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश। 96 और आउट हो चुके हैं विराट कोहली। अब आए हैं केएल राहुल आउट हो चुके हैं तो हम कैसे देखेंगे हाइलाइट्स में जा कर के देखेंगे कि विराट कोहली रन आउट हुए हैं हैं नहीं तो दिखाया ही नहीं भाई। केएल राहुल आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। चौका भी लगा दिया है केएल राहुल ने। ये डबल होगा। यहाँ भी नहीं चले हैं विराट कोहली सस्ते में निपट चुके हैं। आए हैं केएल राहुल। भाई एक्सेलेट करनी पड़ेगी अब तो। 11 ओवर्स में मात्र 98 है। 77 रन चाहिए 53 पे। बच गए। इनसाइड एज एक टप्पे पे गई कीपर के पास। बहुत बाल बाल बचे यहाँ पे एलेक्स। इनसाइड एज मामला गड़बड़ हो सकता था। 100 for 2 India, 11.4 overs. Just a case of finding the same spot. Threw the shot early. Ball. कहाँ से बॉल घुमा रहे हैं भाई? Brilliant slower ball. क्या ही slower ball डाला है? कहाँ से बॉल घुमा रहे हैं ये? Oh ho! Just threw the shot too. 12 overs में 100 for 2. Four runs added in that over. मारो भाई KL राहुल मारिए. 9 पे 16 केएल राहुल 111 पे 2। ठीक है आखिरी गेंद पर आए हैं स्ट्राइक पर। सिंगल डबल कुछ तो ले लीजिए। ग्रेट शॉट एट लीस्ट 2 2 2 2 2 2 2 2 2 भागो भागो मत भागो। सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखिए। 112 पे 2 13 ओवर्स के बाद। लेट एंड ऑफ द ओवर एंड अगेन इट्स अ गुड वन फॉर द बॉलिंग साइड। देखो चौके छक्के लगाऊंगा अंशुमन तो फिर आउट होने के चांसेस हैं। रन्स बन रहे हैं। 43 पे चाहिए 63। अरे भाई अरे
I'd say it was the right shot to choose, but it was just timed badly. Just couldn't get the drive away. Toss beat kiya, Alex. What is this behavior, bro? Why are you... runs on that occasion got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Bhai, samajh nahi aa raha hai bhai, early kyun khel rahe hain ye? Well timed. Jab runs na bane to chaliye, let's start. 114 pe do. Nice shot. Nee. Runs possible. भाई रन्स बनाइए, खेल रहा हूँ। 11 पर 117 पे तो 14 ओवर के बाद 36 गेंदे 58 रन चाहिए। मैच फंस गया है बिल्कुल। What a shot! Goes for six. जी हाँ बिल्कुल। First maximum of the match. Alex at its very best. Flicked on the onside for six. मौका था, दस्तूर थी। और दोनों हाथों से कहा थैंक यू वेरी मच, पैट पे गेंद और भेज दिया है बाउंड्री रोप के उस तरफ। खिलाड़ी बन गए दर्शक। पहला छक्का एलेक्स के बल्ले से। मूव्स ऑन टू 42। 35 गेंदे 52 रन अभी भी चाहिए। इस बार लॉन्ग के ग्राउंड गैप में गई है गेंद, चेस होगा वहां पर। शायद 3 रन हो जा सकते हैं, नहीं होंगे 3 रन, 2 रन से काम चलाइए। 8 रन पहले दो गेंदों पर। बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए एलेक्स, 34 गेंदे 50 रन। श्रीलंका के साथ पहला T20 इंटरनेशनल। एलेक्स एज अ कैप्टन। इस बार भी दो खिलाड़ी के गैप में गई है गेंद। क्या चौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां, एक और डबल, बहुत बढ़िया। मैच को अपने कंट्रोल में लाते हुए वापस भारतीय टीम। 33 गेंदे 48 रन, अभी 15 गेंदों का डिफरेंस है। अरे रन हो जाता, रन हो जाता। वन शॉट अवे फॉर हिज 50। एलेक्स एज अ कैप्टन T20 इंटरनेशनल में क्या पहला 50 कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, फुल टॉस थी, लालच दिया था। बहुत ही ढीले हाथों से खेला और फिर आसानी से दो रन चुरा लिए। मूव्स ऑन टू 48। 3 चौके और 1 छक्के। ये इनिंग्स अपने आप में मायने रखता है, ज्यादा बाउंड्रीज आई नहीं है, सिंगल डबल्स पे भरोसा ज्यादा जताया एलेक्स ने। तुमसे ना हो पाएगा भाई, यही तो नहीं होना था यार। स्लोअर बॉल पहले खेल गए, बॉथम एज और एक आसान सा कैच, गेंदबाज को ही थमा बैठे यहाँ एलेक्स। पहले हाफ सेंचुरी से दो गजब बेइज्जती है। दो रन पहले फिर से एक बार वापस जाएंगे। ओहो, अनलकी, अनबिलीवेबल सेट बैट्समैन, ये पहले ही शॉट खेल बैठे। टॉप एज और फिर एक कंट्रोल, कंट्रोल आसान सा कैच। At last has to go. 48 पे जाएंगे बाहर एलेक्स, लेकिन अपनी टीम को बहुत करीब पहुंचाया है। किसे बुलाया जाए, पंत या अय्यर? पंत को भेजेंगे। मैं तो आउट हो चुका हूं, लेकिन अंतिम जो है ये रन्स हम देखेंगे। अंतिम 5 ओवर्स और रन्स चाहिए बहुत कम, 50 के करीब। वाह केएल राहुल, आप भी चलते बने हैं। बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, चेज करने चले गए, प्ले डॉन, डंडा बाहर हुआ यहाँ केएल राहुल का भी। 18 पे जाएंगे बाहर, 129 फॉर 4। नहीं, थोड़ा सा चलाते हैं, देखते हैं कैसे खेलते हैं ये। दर्शन सनाका आते ही पहले गेंद पर विकेट निकाला। बहुत बेहतरीन गेंद। 28 गेंदे 46 रन चाहिए। एज पे रन भागो भाई। I mean, got the edge the previous ball. They now know the areas they need 27 to be hit. 46.
shot. Huge shot. Just incredible. Mid off. Mid wicket के ऊपर से शायद. Driven down the ground. Beautifully played. बिल्कुल उनके आर्क में गेंद थी नहीं. पहुंचे गेंद तक. Bottom edge. भी नहीं कह सकते हैं. Bottom part of the bat लगी लेकिन फिर भी छह रन. बहुत बढ़िया शॉट. 78 मीटर का वो छह रन था. 26 गेंदें 40 रन अभी भी चाहिए. इस बार चहलकदमी करी है. गैप थी ऑन साइड पर. टू बाउंसर्स ओवर द रोप. यस यस अय्यर. अय्यरी आज तो कुछ करेंगे. सिक्स फॉलोड बाय अ फोर. बहुत बेहतरीन. 25 गेंदें 36 रन. लास्ट बॉल 16वें ओवर की. फुल टॉस. ये रन नहीं लिया यहाँ पर. जाने दिया. 16 ओवर्स के बाद 139 पे चार. एंड ऑफ द ओवर 10 रन्स कमिंग फ्रॉम इंडिया. मार भाई मार. गोइंग विद स्पिन. मजा आ रही है. मजा. लपेट दिया है गैप में. टू बाउंसर्स ओवर द रोप. ऋषभ ताबड़तोड़ पंत. फ्लिक किया है इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर. ये ऐसे ऐसे शॉट से ऋषभ पंत मार सकते हैं भाई. A little short on that occasion. एलेक्स के कैप्टनसी में 32 रन और चाहिए. एज लगा है यहाँ पर. देख फिर से एक बार रिस्क लिया था और रिस्क हैज पेड ऑफ ब्यूटीफुली. गोज फॉर फोर. क्या बात है. अंपायर का हाइट और पंत का हाइट देखो जरा. खेलना चाहते थे कहीं बॉटम एज और ये भी जानते हैं कि भाई अब तो चौका मिल गया. दो चौके बैक टू बैक. हसरंगा हंसते हंसते दो चौके दे चुके हैं. क्या तीसरा भी आएगा. स्लॉग स्वीप. स्लॉग स्वीप. गैप में गई है गेंद. चार रन दे करके जाएगी. अनबिलीवेबल बैटिंग. थ्री बाउंड्रीज इन अ रो. दिस इज ताबड़तोड़ पंत. थ्री बाउंड्रीज थ्री डायरेक्शंस में. लेट्स पॉज फॉर मिनट. यही कर सकते हैं. 21 गेंदे 24 रन. क्या कह रहे हो. पॉज पॉज Because IFC is here. अच्छी बात है. IFC है तो वो भी देख रही. उनके भी आवाज आएगी हमारे कमेंट्री में. चलो 153 for 4. 20 गेंदें 22 रन चाहिए. स्वीप किया है. बल्कि ये अजीबो गरीब तरीके से स्वीप किया है. फील्डर्स नहीं कर पाएंगे फील्ड. बहुत बढ़िया टाइमिंग. इसे कहते हैं प्योर टाइमिंग. प्योर क्लास. पावर का तो इस्तेमाल ही नहीं किया. बस घुटने के बल भेज दिया गेंद को बाउंड्री रोप के बाहर. बहुत बढ़िया. एलेक्स की कैप्टनसी में पहला T20 मैच श्रीलंका टूर पर. चाहिए 18 रन और. इस बार भी थोड़ी सी चहलकदमी करी. लपेटा गेंद को आउटसाइड द ऑफ स्विंग से. 18 गेंदें 17 रन चाहिए. ऋषभ पंत 19. श्रेयस अय्यर 10. एक और सिंगल. क्या आईएफसी चली गई. ठीक कोई बात नहीं. श्रेयस अय्यर 10 पर. रूम बनाकर के इनसाइड आउट खेला है. बिल्कुल गैप में गई है गेंद. वन बाउंस ओवर द रोप. ब्यूटीफुली बैटेड. बहुत बढ़िया शॉट. गैप ढूंढ निकाला बिल्कुल. श्रेयस अय्यर वन साइडेड अफेयर बना चुके हैं अब इस मैच को. बहुत बेहतरीन कैप्टनसी. शानदार अर्धशतक बनाया और टीम को जीत के करीब पहुंचाया. और अब मात्र 12 रन चाहिए. डीप स्क्वायर लेग मौजूद है. सिंगल मिलेगा. 11 रन 15 गेंदे. अ ड्रीम डेब्यू एज अ कैप्टन फॉर एलेक्स. पहला मैच एज अ कैप्टन T20 में इंटरनेशनल टीम के लिए. और फिर क्या बेहतरीन. बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद थी. फ्लिक कर दी ऑन साइड पर. लॉन्ग द ग्राउंड फॉर फोर. भाई ऐसे शॉट्स पे और नो बॉल भी दिया है यहाँ पर. ऐसी गेंदबाजी पर आउट होना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं. लेकिन ऋषभ पंत कह रहे हैं कि नहीं ऐसे गेंद पर हम चौका मारते हैं. नो बॉल भी था. फ्री हिट. नेक्स्ट बॉल राइट.
Outside the off stump gain, full toss, बच गया यहाँ. Free hit पर कोई रन नहीं. एक और नो बॉल है यहाँ. ये है प्रेशर. अंडर प्रेशर श्रीलंकाई बल्लेबाज, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, श्रीलंकाई गेंदबाज दसुन सनाका. एक और फ्री हिट. क्या इस बार ऋषभ ताबड़तोड़ पंत गेंद को भेज पाएंगे? कोशिश करी है वहां पर लेकिन खिलाड़ी मौजूद. बहुत तेज शॉट था, वन बाउंस पे गई खिलाड़ी के पास, सिर्फ एक रन. यह है स्कोर बोर्ड. एलेक्स सबसे ऊपर, अर्धशतक बनाया था. क्या प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलेगा? मात्र चार रन चाहिए जीतने के लिए. वन शॉट अवे टू विन दिस फर्स्ट मैच. ओए होए, इनसाइड एज, गई है गेंद, जा रही है बाउंड्री रोप की तरफ. चेस इज ऑन लेकिन चेस नहीं कर पाएंगे. और नहीं जी, कर लिया है चेस लेकिन तीन रन से नहीं रोक पाएंगे. द मैच इज टाई, वन मोर टू विन. 18वें ओवर में मैच को अपने नाम करने की कोशिश. और स्ट्राइक पर ऋषभ पंत, 174/4, एक रन दूर विक्ट्री से. क्या यही वो रन होगा? बिल्कुल नहीं होगा. क्या बनेगा ये गेम? 18 ओवर, 174/4, मैच अभी टाई है मेरे दोस्त. 16 runs added there. मैच अभी टाई है. One more to win. ये तो 12 गेंदे एक रन, 14 गेंदे एक रन बता रहे हैं ये तो. और ये वाइट से ही मैच को जिता दिया यहाँ पर. रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं. कह रहे हैं आप तकलीफ मत कीजिए, ऐसे ही जीत जाइए. वाइड के सहारे मैच को लिया है जीत. 6 विकेट से भारत ने जीता है यह मैच. व्हाट अ ब्यूटीफुल डेब्यू. ग्रेट बैटिंग एंड अ डिजर्व्ड विन. व्हाट अ ब्यूटीफुल डेब्यू फॉर एलेक्स एज अ कैप्टन. पहले तो अर्धशतक बनाया, एक से बढ़ के एक शॉट, कवर ड्राइव स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. उसके बाद एक छक्का भी लगाया था फ्लिक किया के ऑन साइड पर. फिर ये रन आउट हुए ऋषभ पंत, सॉरी माफ कीजिएगा रोहित शर्मा. इनके रन आउट के बाद से ऐसा लगा जैसे कि अब तो विकेट नहीं गिरेगा और कोहली जी आए हैं तो मैच जिता दिए. फ्लिक था वो 6 रन के लिए. और ये आउट हुए थे फिर उसके बाद, पहले ही खेल गए शॉट, अपने ही गेंद पर कैच आउट किया. ये बॉल खेल राहुल. उसके बाद अय्यड़ी, कोहली का विकेट नहीं दिखाया गया लेकिन उसके बाद अय्यर और पंत ने समा बांध दिया बिल्कुल और मैच को फिनिश किया. पंत ने तो ताबड़तोड़ चौके लगाए 3 हसरंगा के, हंसते हंसते 4 रन. ये दूसरा चौका, उसके बाद इस लॉक स्वीप तीसरा चौका, हसरंगा को रुला दिया बिल्कुल. और फिर ये पैडल स्वीप बिल्कुल टाइमिंग के बदौलत, कलाइयों का इस्तेमाल, 4 रन, 4 बटोरा. और श्रेयस अय्यर का पावरफुल हिटिंग और ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी ने ये मैच को फिनिश किया बहुत बेहतरीन. और ये किसको मिल गया है प्लेयर ऑफ द मैच? यार मेरे 50 रन को अवॉइड करके असलंका को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच. 1000 रुपीज का चेक. वेल डन बॉय, वेल डन. थोड़ा सा अभी इंटरव्यू भी होगा इनका. असलंका जी, आपने ऐसा क्या किया था, कैसा लगा आपको भारत के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच लेकर? हो गया इंटरव्यू भाई. असलंका ने बनाए थे 52 रन नाबाद, इस वजह से उनको मिला. एलेक्स ने 48 बनाया तो इसलिए उनको नहीं मिला भाई. ठीक है यार, बहुत बेहतरीन, बहुत ही आला. तो गाइज ये था हमारा करियर मोड का पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ. एलेक्स का एज अ कैप्टन डेब्यू किया था, ज़्यादा अच्छा डेब्यू रहा नहीं लेकिन फिर भी इतना ख़राब भी नहीं था. 2 ओवर की बॉलिंग करी, 15 रन और उसके बाद फिर बैटिंग में 48 रन्स, बहुमूल्य 48 रन जिसके बदौलत टीम इंडिया जीत पाई है मैच. प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिला लेकिन अभी 2 मैच और बाकी है मेरे दोस्त. तो उम्मीद करूँगा कि गाइज आपको ये एपिसोड, ये मैच अच्छा लगा होगा. तो ज़रूर लाइक कीजिएगा. जो नए देखे हैं इस मैच को, अभी ये प्रीमियर ख़त्म होने वाला है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ही मेरे करियर मोड के एपिसोड्स अब आएंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, हर 2-3 दिन पे जब भी टाइम मिलेगा रिकॉर्डिंग का, हम रिकॉर्ड करेंगे, प्रीमियर करेंगे. बस आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा. और शॉर्ट वीडियोज़ भी आने शुरू हो गए हैं गाइज़, सुबह के 8 बजे
मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियोस आएंगे तो देखना मत भूलिएगा, वो भी देख करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर हम करियर मोड के अपने अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय गाइस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।